हेलो स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं अपना एनिमल किंगडम का चौथा फाइलम, दैट इज़ फाइलम प्लेटीहेलमिंथेस, जिनको कॉमनली फ्लैट वॉर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम यही करते हैं, जब नाम ही दे दिया फ्लैट वॉर्म, तो इसका मतलब है इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, यानी कि बहुत थिन इनका सरफेस है। आपको कुछ डायग्राम में एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, जो बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि कोई पेपर पड़ा हुआ हो, किसी चीज़ का छिलका पड़ा हुआ हो, इस तरीके के फ्लैट होती है इनकी बॉडी, बिल्कुल फ्लैट, जैसे पेपर है ना, ये इसी पेपर के जैसी फ्लैट बॉडी होती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया फ्लैट फॉर्म। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनकी बॉडी फ्लैट है इसका मतलब इनके अंदर कोई स्केलेटल प्रेजेंट नहीं है। चलिए इसके बारे में कुछ खास चीज़ें जानते हैं, कैसे रहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको बताया गया कि ये जो हैं, दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फ्री लिविंग फॉर्म टू सर्टेन टेप वॉर्म्स ओवर 20 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये माइक्रोस्कोप जितनी, मतलब माइक्रोस्कोप से देखे जाए, इतने छोटे फ्लैट वॉर्म्स भी होते हैं और इतने लंबे भी होते हैं कि 20 मीटर का हो, तो यानी कि इनका साइज बहुत वेरी कर सकता है। ये फ्रीली भी पाए जा सकते हैं, यानी कि ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, या ये किसी और की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। एंड ये सब जगह पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर, फ्रेश वाटर यानी आपका जो है सॉल्ट नहीं है, और मैराइन वाटर यानी सॉल्टी वाटर में। अब देखो, हम पैरासाइट्स की बात करेंगे, तो अगर ये पैरासाइट की फॉर्म में रह रहा है, यानी किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है, तो हालांकि कुछ और फीचर्स भी बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी देखिए, अगर ये किसी की बॉडी के अंदर रह रहा है तो इनके जो होगा, इनके पास स्पेशल एडहेसिव ऑर्गन होंगे ताकि उसकी बॉडी से चिपक सके, दैट इज़ हुक्स एंड सकर्स। हुक्स की मदद से ये उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे और सकर की मदद से उनकी बॉडी से ब्लड वगैरह सक करेंगे या कहीं फूड सक करेंगे। इनको फ्लैट वॉर्म इसीलिए कहा क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट है। डॉर्सल साइड क्या होती है? जो बैक साइड होती है उसे डॉर्सल कहते हैं, और जो फ्रंट साइड होती है उसे वेंट्रल। जैसे अगर मैं हाथ की बात करूँ, तो ये वाली जो साइड है ये डॉर्सल है, और अब जो आपको हाथ विजिबल है, दिस इज़ द वेंट्रल साइड ऑफ योर हैंड, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रल दोनों साइड से इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है। सिमेट्री, ऑब्वियसली बात है, एक वॉर्म है, आप कोई भी वॉर्म को देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कोई भी वॉर्म है तो इनकी बॉडी आपको दिख रही होगी। बाइलेटरली पॉसिबल है, रेडियल तो पॉसिबल नहीं है, तो इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है। और ये पहले ऐसे फाइलम है जहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर आपका स्टार्ट होता है। अभी तक तीन पढ़े हैं, तीनों में डिप्लोब्लास्टिक थे, अब तीनों जर्म लेयर्स आ गई हैं, एक्टोमीजोर, एंडोडर्म यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये एक लौते ऐसे फाइलम है जिनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अभी से पहले तुम टिश्यू पढ़ रहे थे, और इनके जितने भी ऑर्गन्स हैं ये कुछ पेरेन्काइमा टिश्यूज़ की इसकी मदद से पैक्ड हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात इन फाइलम की, इस फाइलम में सिफिलाइजेशन शुरू हुआ है। सिफिलाइजेशन मतलब क्या होता है? सिफिलाइजेशन मतलब होता है जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है यानी एंटीरियर पार्ट है, उस पार्ट में हेड का फॉर्मेशन होना, उसी में सारे सेंस ऑर्गन्स आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड सिफिलाइजेशन। अब जैसा फ्लैट बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है स्केलेटल तो होगा नहीं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका इनकम्प्लीट है, यानी कि इसके पास एक सिंगल ओपनिंग है, दैट इज़ माउथ, उसी से ये फूड इनटेक करते हैं और उसी से इनका वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट होता है। रेस्पिरेशन इनकी बॉडी, क्योंकि इनमें आपको पता है बहुत फ्लैट बॉडी है, हालांकि इनमें ऑर्गन्स है, बट स्टिल इनका रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हाईली अनडेवलप्ड है, यानी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आप हर्ट पड़ें, ब्लड वेसल्स पड़ें, ऐसा कुछ नहीं है। नर्वस सिस्टम तो आपको पहले ही बताया गया था, सिर्फ पॉरीफेरा में नहीं होता, बाकियों में शुरू हो गया, तो इनमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें बल्कि ब्रेन भी आ चुका है और कुछ मेन नर्व कॉर्ड्स भी आ चुकी है, जैसे आपके स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरीके से मेन कॉर्ड भी आ चुकी है। दो मेन कॉर्ड हैं और ब्रेन प्रेजेंट है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो होता है फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया, सेम नाम है, जैसे आपके अंदर किडनी कहा जाता है, तो इनके अंदर फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अच्छा, अब इनके फर्दर बात करते हैं, तो देखिए, अगर ये एक्सक्रीट करेंगे तो दे विल एक्सक्रीट आउट द अमोनिया एज अ वेस्ट मटीरियल। अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, आपको पढ़ाया गया तीन होते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। तो ये ज़्यादातर किसी की बॉडी से पानी यूज़ करते हैं,
तो अमोनिया को ये निकाल रहे हैं, विच इज़ हाईली टॉक्सिक फॉर्म, और यही प्रोटोनेफ्रीडिया इसकी बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस भी मेंटेन करवा रहे हैं, मीन्स दे आर हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए बताया गया कि इनमें अभी सेपरेशन नहीं है, अभी तक सेपरेशन हमने कहा था सिर्फ सिलेंट्रेटा में कहा था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बाकी अभी तक जितने भी पढ़े आपने सब हर्मेफ्रोडाइट पढ़े जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं है। बट इट शोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी एक ही के अंदर मेल भी है फीमेल भी है, बट वो अपने गैमेट से ही फ्यूज नहीं होता, अब ये एक मेल किसी दूसरी फीमेल को देगा और इसकी ओवरी किसी और से गैमेट रिसीव करेगी, इनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा और जो डेवलपमेंट होगा उसमें बहुत सारी लार्वा स्टेजेस होंगी, यानी इंटरमीडिएट स्टेजेस होंगी। अच्छा आप बात करते हैं क्या ये जो है एसेक्सुअल मेथड भी शो करते हैं, तो बिल्कुल एसेक्सुअली ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन करते हैं, ट्रांसवर्स मतलब होता है हेड टू टॉप कट होना, तो हेड टू टॉप की फॉर्म में कट हो के इनके इक्वल दो पार्ट बन जाते हैं जैसे अमीबा करता है उसी तरीके से। कुछ जो है वो रीजनरेशन भी करते हैं, जैसे प्लानेरिया आपने कॉमन एग्जांपल सुना होगा छोटी क्लासेस में भी, ये वाला आपने देखा होगा ना प्लानेरिया, इसके ऐसे तीन पोर्शन कट हो जाते हैं तो तीनों पोर्शन से तीन प्लानेरिया बन जाते हैं, दैट इज़ रीजनरेशन। और इसके कॉमन एग्जांपल आपको याद रखने टेनिया दैट इज़ टेप वॉर्म, फेस्क्योला दैट इज़ लीवर फ्लू। एक ये क्वेश्चन और पूछा जाता है व्हाट आर द पेसिकुलर फीचर्स ऑफ पैरासिटिक फॉर्म, यानी कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो स्पेशल हैं कि अगर ये पैरासिटिक टाइप का है तो उनमें क्या होंगे। तो देखो किसी की बॉडी के अगर अंदर रहना है तो कुछ स्पेशल बातें तो डिस्कवर करनी बहुत ज़रूरी है, तो वही स्पेशल फीचर्स इसके अंदर हैं, जैसे कि बॉडी कवरिंग, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है मान लीजिए वो किसी के अंदर, मान लो कोई वॉर्म है जो हमारी बॉडी में रह रहा है तो हमारे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं एंजाइम्स हैं उसको किल कर देंगे, तो जो जो वॉर्म है जो अंदर रहना चाहता है उसकी बॉडी की कवरिंग ऐसी होगी जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम और टॉक्सिन से फ़र्क ना पड़े उसको, यानी उस पैरासाइट को कितने एंजाइम्स और कितने टॉक्सिन लगे उसकी बॉडी के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। दूसरा चिपकने के लिए होस्ट की बॉडी से उसके पास एडहेसिव ऑर्गन होने चाहिए, अदरवाइज़ बॉडी में कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो वो तब तक बॉडी से बाहर निकल जाएगा अगर ऐसा ही होगा, तो अपने आप को टाइटली ग्रिप बना के रखने के लिए एडहेसिव ऑर्गन्स उनकी बॉडी पर पाए जाते हैं। अब देखो ज़रूरी है अगर ये किसी की बॉडी में रहे तो उनका साइज़ वगैरह छोटा हो, इसीलिए इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं है, चलने फिरने की तो इनको ज़रूरत है नहीं, तो ऐसे कोई ऑर्गन इनमें नहीं है। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्हें खुद डाइजेस्ट करना ही नहीं है, इन्हें तो होस्ट की बॉडी का डाइजेस्टेड फूड एज इट इज़ एब्जॉर्ब करना है। इनके सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, ज़रूरत नहीं है इनको, और अब किसी की बॉडी के अंदर रहेंगे तो ऑक्सीजन इनको तो पहुँचने ही नहीं वाली, इसीलिए दे कैन परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हुए प्लैटिहेलमिंथस के, हम कुछ फीचर्स को रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स दैट यू हैव स्टडीड इन फाइलम प्लैटिहेलमिंथस। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने कहा प्लैटिहेलमिंथस हर जगह रहते हैं, इनका साइज छोटे से बड़े तक होता है, इनसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ है बट सिलोम अभी तक नहीं है, इनमें ही ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री भी यहाँ से शुरू हुई। देखो कौन कौन सी चीज़ें शुरू हुई हैं, यहाँ से बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, ऑर्गन लेवल ये भी नया है, सिफिलाइजेशन भी यहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फ्लैट वॉर्म है क्योंकि इनकी बॉडी डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड से फ्लैट है, फ्लैट है तो ऑब्वियसली बात है स्केलेटन नहीं है, इनके अंदर सिंगल ओपनिंग है जिसी से माउथ का काम भी और एनस का काम भी वही कर रहा है, बाकी जब और खास डेवलप नहीं है तो इनकी बॉडी के सरफेस से ही एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम इनमें ब्रेन है, और इनका मेन बात मैंने बताई इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ जो है एसेक्सुअल भी करते हैं जैसे रीजनरेशन या बाइनरी फ्यूजन शो कर रहे हैं, बाकी सेक्सुअली भी करते हैं तो ये जो है बॉडी के बाहर ही कर रहे हैं, एक्सटर्नल कर रहे हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं तो इनकी बॉडी का सरफेस ऐसा होगा जो होस्ट के एंजाइम और टॉक्सिन्स का इनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े,
इनके पास ऐसे एडहेसिव ऑर्गन होंगे जिससे ये होस्ट की बॉडी पर चिपक सके और उससे फूड एब्जॉर्ब कर सके। इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा, कोई सेंस ऑर्गन नहीं होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें होस्ट की बॉडी से डाइजेस्टेड फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना है। और ये जो है दे परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फीचर्स याद हुए होंगे। तो जितने बार आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये फीचर्स याद होते जाएंगे। तो ध्यान रखिए, प्लैटीहेलमिंथेस द फ्लैटफॉर्म्स।